गुड इवनिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन किया है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपका एक बार पुनः अभिवादन और स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आपसे एक बार पुनः वही निवेदन करना चाहूंगा जो पहले भी कर चुका हूँ कि आप इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और नए नए वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो किसी भी टेंस के पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि वह क्रियाओं के अंत में कौन से शब्दों के साथ समाप्त हो रहा है। हिंदी में पहचान यही होती है। तो हम देखते हैं इसकी क्या पहचान है। तो हिंदी में पहचान देखते हैं, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं आदि शब्द आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस सेंटेंस में से रहा हूं या से रहे हैं प्लस उसके साथ समय अवधि आती है, टाइम पीरियड आता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तुम 3 बजे से सो रहे हो, ये सब उसमें आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। अब अगर इसकी बात करें कि इंग्लिश में कैसे पहचाने, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें ज्यादा एडवर्ब्स नहीं है, केवल इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से पहचान लेंगे। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग या ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये रहा। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, इससे पहले भी मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो हमने पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसके बारे में अच्छी तरह अध्ययन किया है कि हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग कैसे होता है। हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ होता है या सिंगुलर नाउन हो उसके साथ प्रयोग होता है, जबकि हैव का प्रयोग कहाँ होता है, आई, वी, यू, दे के साथ। अब उसके बारे में इतना ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आपको याद हो ही चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, जो निश्चित समय अवधि हो वहां पर। जैसे 2 बजे से, सोमवार से, 2017 से, ये सब। जैसे अब मैंने इसका बता रखा है इंग्लिश में, मंडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2018, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट नाइट, सिंस जनवरी, सिंस समर, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस दीपावली, सिंस हिज बर्थ, सिंस हिज डेथ, सिंस 9 o'clock, एसेट्रा। आपको जैसे मैंने लास्ट नाइट कहा तो आपको याद हो गया होगा या याद आ गया होगा कि हमने बचपन में जो एप्लीकेशंस थी वो किस प्रकार से याद की थी। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, याद आ गया। तो अब देखते हैं फोर का प्रयोग कहाँ होता है। फोर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय अवधि के साथ। यानी इसको अगर और हिंदी में या एक अच्छे तरह से समझने के लिए देखें तो सिंस और फोर में प्रयोग का केवल अंतर इतना ही है कि फोर के साथ हमें यह नहीं पता होता है कि वो कौन से समय से, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, 3 दिन से सो रहा है या 4 महीने से रह रहा है। तो इसमें ये पता नहीं है कि कौन से 4 माह साल में कोई से भी हो सकते हैं, 3 दिन कोई से भी हो सकते हैं। इसलिए फोर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए होता है। अब हम बात करते हैं इसमें उदाहरण की, पीरियड ऑफ टाइम 2 आवर्स, 7 डेज, 5 मिनट्स, 3 वीक्स, 5 मंथ्स, 8 ईयर्स, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, फॉर ए मिनट, फॉर ए वीक, एसेट्रा। सेंटेंस मेकिंग देखें, वह 3 बजे से कहानी लिख रहा है। ही हैज बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 3 o'clock। अब इसको अपनी जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट,
तो वह 3 बजे से कहानी लिख रहा है, तो सब्जेक्ट में ही आ गया। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, हैज में से कहेगा ई के साथ हैज आता है, फिर बीन ऐसे कैसे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी, तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई हटाकर आईएनजी यानी राइटिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, अदर वर्ड्स कुछ है नहीं। फिर सिंस या फॉर में से क्या आएगा, निश्चित समय अवधि है इसलिए Since 3 o'clock, समझ में आ गया होगा आपको। एक और सेंटेंस बनाकर देखते हैं, आइए और आपको और आनंद आएगा। तुम एक सप्ताह से अध्ययन कर रहे हो, सेम टू सेम पैटर्न का अध्ययन करो और फिर बनाइए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, फिर हैज या हैव में से क्या आएगा, हैव, फिर बी ने से कैसे उतार दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी प्लस आईएनजी स्टडीइंग हो जाएगा। फिर अपने पास ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है नहीं, तो सिंस फॉर में से फॉर आ जाएगा और ए वीक। अभी क्या बन गया, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर ए वीक, या आईएनजी पास में आ जाएगा। देखिए मैं एक आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग स्टडी और रीड के लिए अलग अलग चीज लेकर चलेंगे, एक तथ्य अलग लेकर चलेंगे। कहने का तात्पर्य होता है, रीड का मतलब होता है एट ए मोमेंट क्या पढ़ रहा है, ठीक है, और स्टडी का मतलब होता है आप क्या स्टडी कर रहे हो गहन तरीके से। तो दोनों का थोड़ा सा अंतर है, लगता आपने को एक जैसा है। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, केवल केवल नॉट थर्ड प्लेस पर रखना है और बाकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसी होगी। तो आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट थर्ड प्लेस पर और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए हम पिछली रात से बुखार से पीड़ित नहीं रहे हैं, वही मैंने क्या किया, अपनी जो एप्लीकेशन राइटिंग थी वो याद दिलाने के लिए एक सेंटेंस बना दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर हैज में से हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफर, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड्स कुछ है नहीं, अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स है फ्रॉम फीवर, फिर सिंस, सिंस या फॉर्म में से कहेगा सिंस, फिर लास्ट नाइट। अब सिंस लास्ट नाइट क्यों हुआ आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछली रात निश्चित है आज के पहले वाली रात। एक और सेंटेंस बनाकर देखते हैं, वह 3 दिन से गरीबों को भोजन नहीं खिला रहा है, तो कैसे बनेगा, वही सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर थर्ड प्लेस पे क्या आएगा नॉट, फिर खिलाने को क्या बोलते हैं, भोजन खिलाना फीड, ईट यानी तो खाना होता है और फीड यानी खिलाना, तो आईएनजी लगा दिया फीडिंग, फिर भोजन, भोजन के लिए क्या आएगा फीडिंग फूड, पुअर्स फॉर 3 डेज, तो क्या बन गया, ही हैज नॉट फीडिंग फूड पुअर्स फॉर 3 डेज। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, आपको पता ही है ये 2 प्रकार का होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो और जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। इंग्लिश में बोले तो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, वही सेंटेंसेस हैं। उसी प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाने में बहुत ही सिंपल फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, कि क्या करना होगा, जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट इधर होता है और इंट्रोगेटिव में इधर होता है, तो अब अपन ने क्या कर दिया, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लिख दिया और सब्जेक्ट को इधर लिख दिया हेल्पिंग वर्ब की जगह, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे वैसे है। देख लीजिए, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या शेर जंगल में सुबह से दहाड़ रहा है, तो हैज में से हैज, फिर सब्जेक्ट ए लॉयन, फिर बीन, फिर वर्ब रोअर आईएनजी लगा दिया रोरिंग, फिर इन द फॉरेस्ट अदर वर्ड्स, फिर सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया, हैज ए लॉयन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। अब इसका सेकंड है,
स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच वर्ड्स, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो तो डब्ल्यूएच वर्ड्स केवल इसके आगे लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसी कैसे फॉलो करनी है। आपको समझाने के लिए मैंने इसी सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड्स के हिसाब से बना दिया है, जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। जैसे शेर जंगल में सुबह से क्यों दहाड़ रहा है, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स वाही लगा दिया, क्यों के लिए वाही आता है। और बाकी देखिए वो की वो स्ट्रक्चर है, व्हाई हैज लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। आप और ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, आपको आसानी से इंग्लिश आएगी। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, वही दो प्रकार, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएच वर्ड्स। वही नेगेटिव सेंटेंस का ही हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है, तो वही सब्जेक्ट को इधर लिख दिया और एज एव हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया, बाकी वो की वो स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। यानी थर्ड प्लेस में नॉट आ गया, बीन आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या वह 2017 से यहाँ नहीं रह रहा है, तो हैज या हैव में से क्या आएगा, हैज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर बीन, फिर लिव, आईएनजी लगा दिया लिविंग, फिर अदर वर्ड्स में हियर सिंस 2017। समझ में आया होगा, यहाँ पर वह के लिए ही हैज आ गया, ठीक है, फिर नॉट थर्ड प्लेस पे, बीन आ गया, फिर वर्ब लगा दी लिविंग हो गया, फिर अदर वर्ड्स हियर हो गया, फिर सिंस 2017, क्योंकि 2017 फिक्स है पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हैज ही नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2017। बहुत ही सिंपल तरीका, आपको केवल पैटर्न का ध्यान रखना है और जो वर्ब्स हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको याद करते हुए सेंटेंसेस बनाने। अब सेकंड है डब्ल्यूएच वर्ड्स वाला, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स आगे लगानी है, बाकी वो ही स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब देखिए सेंटेंस बना के देखते हैं, नवीन कल रात से छाछ क्यों नहीं पी रहा है, तो व्हाई हैज नवीन नॉट ड्रिंकिंग बटर मिल्क सिंस यस्टरडे नाइट। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स व्हाई, फिर हैज में से हैज नवीन के साथ आएगा, सब्जेक्ट नवीन है, नॉट ऐसे कैसे, बीन हो जाएगा यहाँ पर, बीन ड्रिंकिंग बटर मिल्क, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक प्लस आईएनजी ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट बटर मिल्क, सिंस या फॉर में से क्या आएगा, यस्टरडे नाइट फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस यस्टरडे नाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस बनाना बहुत ही सिंपल है, आपको केवल जो स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं उन पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर और भी सेंटेंस बना सकते हो, और आप जानोगे, आप देखोगे, आप ये महसूस करोगे कि आपको अंग्रेजी बहुत ही सिंपल तरीके से आ रही है, और ये स्थाई पैटर्न्स होते हैं। आप अगर केवल सेंटेंसेस सीखकर और इंग्लिश बोलना चाहोगे तो कुछ समय बाद आपको ऐसा फील होगा कि हम और सेंटेंसेस तो मैक ही नहीं कर पा रहे, लेकिन इन सेंटेंसेस इन पैटर्न को ध्यान में रखने पर आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं या स्कूल एग्जाम्स हैं उनमें भी ये बहुत काम आएगा। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।